सलसलाई पुलिस थाना अंतर्गत अकोदिया मार्ग पर ग्राम गिराना भैंसरोद जोड़ के मध्य रिफाइन ठेकेदारी का कार्य करने वाले मस्सी निवासी हकीम खां के मुनीम, पनवारी निवासी करीम खां पिता कयूम का उम्र 27 वर्ष जो कि हम्मालों व अन्य सीमेंट व्यवसायियों का शुक्रवार को पैसे इकट्ठे कर अपने मकान निवास ग्राम पनवाड़ी में घर पर रखे थे, जहां शनिवार को सुबह 9 बजे के लगभग घर से पन्नी में पैसे लेकर सुजालपुर रेलवे ट्रैक पॉइंट पर जा रहे थे। अकोदिया मार्ग स्थित ग्राम गिराना भैंसरोज जोड़ के बीच दिन दहाड़े इतनी बड़ी रकम की लूट होने से एसपी सहित आला अधिकारी पहुंचे दलबल के साथ मौके पर। थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिन दहाड़े हुई इतनी बड़ी लूट की घटना के बाद जिले के पूरा पुलिस महकमा हरकत में आ गया, जहां मौके पर एसपी जगदीश डावर, एडिशनल एसपीटी एस बघेल, एसडीओपी भविष्य भास्कर, साइबर सेल प्रभारी अंकित मुकाती मैं दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां 20 मिनट से अधिक मौके पर मौका मुआयना किया। एसपी ने फरियादी से प्रत्येक लूट की घटनास्थल की जानकारी ली, जहां जानकारी लेकर थाने पर भी करीब 30 मिनट तक फरियादी के पिता व अन्य व्यापारियों के साथ पैसे को लेकर सभी से गहन पूछताछ की गई। वहीं उसके पश्चात लिखा पढ़ी का मामला जांच में लेकर फरियादी को पैर व अन्य जगह भी चोटें आई थीं, उसे मेडिकल पर जिला अस्पताल शाजापुर लेकर गए। फरियादी कह रहा था कि मेरे साथ लूट हुई, पुलिस कह रही थी ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई। सूत्रों की माने तो फरियादी का कहना है कि मेरे साथ वास्तविकता में लूट हुई है। जहां मैं बाइक पर था और पन्नी में पैसे रखे थे, वहीं पीछे से 3 व्यक्ति 2 बाइक पर आए, जिनमें एक ने हेलमेट पहन रखा था, वहीं 2 व्यक्तियों ने मुंह बांध रखा था। जहां चलती गाड़ी से उसे धक्का देकर पैरों से खींच कर नीचे गिरा दिया और पैसे लेकर भाग गए। वहां से वह पास ही जैसे तैसे उठकर चिल्लाता हुआ ढाबे पर पहुंचा, वहां पर मौजूद मालिक को बताकर उसे घटना की जानकारी दी। उसके बाद पुलिस को फोन लगाया, वहीं पूरे घटनाक्रम पर पुलिस का अभी तक कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि अभी जांच चल रही है, जांच के बाद ही कुछ कह सकते हैं। उक्त मार्ग पर 5 किलोमीटर के दायरे में आए दिन दहाड़े ट्रक के कटिंग के साथ ही व्यापारियों का सामान खाद्य सामग्री कंजर काटते रहते हैं, जहां पिछले 2 दिन पूर्व एक ट्रक से कटिंग की घटना घटी थी, जहां उक्त युवक ने पुलिस को आवेदन न देकर चला गया। वहीं पूर्व में भी क्षेत्र में आए दिन घटना होती रहती है, जहां नगर के व्यापारी राधेश्याम यादव की खल की बोरियां भोपाल के कपड़ा व्यापारी की कपड़ा की गठान व बस के ऊपर से भी उक्त कई कंजरों द्वारा कटिंग होती रहती है, जहां पुलिस को भी जानकारी है, फिर भी स्थानीय पुलिस इस ओर कोई ध्यान नहीं दे पा रही थी। जहां अब इतनी बड़ी घटना होने के बाद पूरा पुलिस महकमा हरकत में आया, जबकि समय रहते इस ओर ध्यान देते रहती तो शायद ऐसी घटना नहीं घटित होती। क्या आगे भी चाहती क्या ऐसा घटना बताया गया है, उस बारे में पुलिस सभी बिंदुओं में जांच कर रही है, मेडिकल आगे कार्रवाई चल रही है, सीसीटीवी फुटेज चेकिंग और आसपास के क्षेत्र में जिस तरह भी अपराधी तत्वों का मूवमेंट होता है, सभी बिंदुओं की जांच करके आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर कितनी की लूट बताई जा रही है? 4 लाख की लूट बताई जा रही है, पर उसमें भी कुछ तथ्यों की पुष्टि होने के बाद भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग आ रहे थे इसमें सामने? अभी जो पुलिस पर कुछ कहना मुश्किल है, अभी सभी तथ्यों पर जांच करते हैं। मेन सुजालपुर का मार्ग है, अच्छा रोड है, तो इसमें लगातार पेट्रोलिंग कराई जाएगी और दोनों थानों के जो सीमावर्ती थाने समन्वय करके रेगुलर रूप से रूट पर पुलिस की आवाजाही बना रहे, ताकि इस प्रकार की कोई भी घटना से पहले ही घटना घटित होने से पूर्व ही रुक जाएगा। संदिग्ध तत्वों को ज़्यादातर आसपास के लोग जानते हैं, ऐसे मूवमेंट होने पर हम अपने सूचना तंत्र को विकसित कर ऐसे लोगों के मूवमेंट होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर जी, एक पूरे मध्य प्रदेश राजस्थान जिले में भी नशा मुक्ति अभियान चल रहा है। आप विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित, डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।